पहले हुई हिसाब किताब की बारी, उसके बाद गिरफ्तारी। स्वामी चिन्मयानंद पर एसआईटी की ऐसी गिरी गाज कि स्वामी जी खुद ही कह बैठे कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, जहां युद्ध घोष लेकर हाजिर है मनीषा सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और एसआईटी ने शुक्रवार को चिन्मयानंद को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ उनके आश्रम में घेर कर गिरफ्तार किया। एसआईटी की टीम इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को मोक्ष आश्रम में उनके निवास से लेकर कोतवाली पहुंची और साथ ही शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद चिन्मयानंद को आज अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने चिन्मयानंद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में शाहजहांपुर जेल भेज दिया है। साथ ही चिन्मयानंद ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और जुर्म कबूल करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे अपने किए पर शर्म आ रही है और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। गौरतलब है कि बीते सोमवार को पीड़ित छात्रा का 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद से ही पीड़िता आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। साथ ही पीड़िता ने बुधवार को चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में आत्मदाह की भी धमकी दी। तो स्वामी चिन्मयानंद लगातार इस हाई प्रोफाइल मामले में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार स्वामी चिन्मयानंद इस वक्त सुर्खियों में बने हुए थे, तो ऐसे में आज एसआईटी की उन पर गाज गिर चुकी है और स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी उन्हें भेजा गया है और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थानीय अदालत ने चिन्मयानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कई दिनों की जद्दोजहद के बाद अंततः यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि चिन्मयानंद को उनके ही कॉलेज की छात्रा और उसके पिता द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी स्वामी के ही मुमुक्ष आश्रम से हुई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को शुक्रवार सुबह उनके मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया। एसआईटी की एक टीम ने चिन्मयानंद को मुमुक्षु आश्रम से स्थित उनके दिव्यधाम से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया गया। चिन्मयानंद की अधिवक्ता पूजा सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया है कि एसआईटी की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ दिव्यधाम पहुंची और उसने चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। स्वामी को गिरफ्तार करने वाली एसआईटी टीम का नेतृत्व यूपी पुलिस के महानिरीक्षक नवीन अरोड़ा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद बुरी तरह से अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार स्वामी चिन्मयानंद सुर्खियों में बने हुए थे, तो ऐसे में आज उन पर एसआईटी की गाज गिरी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा भी हूं। बलात्कार का आरोप लगाने वाली यूपी की लॉ की छात्रा ने पूछा है कि जांच एजेंसियों ने अब तक चिन्मयानंद के खिलाफ आरोप तय क्यों नहीं किए। आपको बता दें कि ये जो सवाल है ये लगातार पूछा जा रहा है कि रेप के आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल लगातार काफी दिनों से पूछा जा रहा था और आज उस सवाल का जवाब मिल चुका है और स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि चिन्मयानंद को इसलिए बचाया जा रहा है कि वो बीजेपी के ताकतवर नेता रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। वहीं सोमवार रात को चिन्मयानंद का वीडियो जारी किया गया जिसमें उनका इलाज किया जा रहा था और उनके लोगों ने बताया कि उन्हें बेचैनी और कमजोरी की शिकायत थी और जबकि उनके डॉक्टरों ने कहा है कि उनको पेट में कुछ दिक्कत है। तो जैसे ही गिरफ्तारी की बात हुई, उन्होंने बीमार पड़ने का भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया और अब तमाम किंतु परंतु के बाद स्वामी चिन्मयानंद पर एसआईटी की गाज गिरती हुई नजर आ रही है और सुबह ही आज एसआईटी ने उन्हीं के आश्रम में उनको घेरते हुए गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उन्हें भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि छात्रा लगातार इस मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार पे भी हमलावर थी कि मौजूदा सरकार जो है वो इस तरह के मामलों में पीड़िता के मरने तक का इंतजार करती है और तब जाकर होती है कोई कार्रवाई। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जांच पड़ताल भी जरूरी है और जांच पड़ताल के बाद जब स्वामी चिन्मयानंद को दोषी पाया गया है तो आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बताना चाहेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उन्हें भेज दिया गया है। साथ ही साथ बुधवार को चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में पीड़िता ने आत्मदाह की भी धमकी दी थी। ऐसे में एसआईटी पर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से लगातार पीड़िता की तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही थी और ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होना लगातार मौजूदा सरकार को भी सवालों के कटघरे में लाकर रख रहा था। पर एसआईटी की तरफ से अब स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और यौन शोषण के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उन्हें भेज दिया गया है। बताना चाहेंगे कि लॉ छात्रा से रेप और यौन शोषण आरोपित स्वामी चिन्मयानंद की हालत में तीसरे दिन भी सुधार ना होते देख डॉक्टरों ने उन्हें केजीएमयू रेफर कर दिया था और शाजापुर से रवाना होने से पहले उनका विचार बदल गया और चिन्मयानंद लखनऊ नहीं आए। वहीं चिन्मयानंद के एक कॉलेज में शिक्षित पीड़िता की मां से जुड़े रिकॉर्ड कॉलेज प्रिंसिपल ने एसआईटी को सौंप दिए। तो शायद गिरफ्तारी के डर से स्वामी चिन्मयानंद बीमार पड़ गए थे और बीमारी के चलते वो लखनऊ नहीं आए और ऐसे में जो रिकॉर्ड थे वो एसआईटी के हाथ लगे और तमाम बिंदुओं की जांच पड़ताल करते हुए स्वामी चिन्मयानंद पर बड़ी कार्रवाई हुई और आज सुबह ही एसआईटी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार पर लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर था और ऐसे में मौजूदा सरकार पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्यों इस तरह के आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है, आखिर न्याय मिलने में, पीड़िता को न्याय दिलाने में, न्याय देने में इतनी देरी क्यों की जाती है। तो ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है तमाम दबावों के चलते और स्वामी चिन्मयानंद को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया है और उनका जुर्म कबूलना कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, ये बयान भी अपने आप में इस पूरे मुद्दे को एक नया मोड़ देता है। बता दें कि कानून की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चिन्मयानंद स्वामी को उनके मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद को शाजापुर मेडिकल कॉलेज से गुरुवार शाम को लखनऊ के केजीएमयू के लिए रेफर किया गया था, लेकिन वो सीधे केजीएमयू नहीं गए और वो सीधे अपने आश्रम चले गए थे। एसआईटी टीम मेंबर पुलिस अधीक्षक भारती सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की पुष्टि की। आपको बता दें कि शारजा मेडिकल कॉलेज की पीआरओ डॉक्टर पूजा पांडे ने मीडिया को स्वामी चिन्मयानंद की तबियत की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद का गुरुवार को पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया था और उन्हें हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। पूजा ने बताया कि उनकी हालत स्थिर नहीं है और बता दें कि इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध पीड़िता ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, जिसका दबाव एसआईटी पर काफी ज्यादा बढ़ता गया। उसने अपनी जांच में तेजी लाई और जांच में तेजी के चलते अब स्वामी चिन्मयानंद पर एसआईटी की गाज गिरी और उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताना चाहेंगे कि एसआईटी ने शुक्रवार को चिन्मयानंद को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ उनके आश्रम में घेर कर गिरफ्तार किया और एसआईटी की टीम इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को मुमुक्षु आश्रम में उनके निवास से लेकर कोतवाली पहुंची। तो आखिरकार स्वामी चिन्मयानंद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जो उनकी मुश्किलें हैं वो अब कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि आज की खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, आज की इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बता दें कि मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह प्रसपा से प्रवक्ता, सुधीर शर्मा जी पूर्व पुलिस अधिकारी, सत्येंद्र मिश्रा एडवोकेट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, धर्मगुरु डॉक्टर उमाशंकर मिश्र जी भी और बीजेपी से हमारे नेता
विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद है, तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और विवेक जी, आप ही से शुरू करना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, तो ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने खुद कबूल लिया है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई बख्शा नहीं जाता। अपराधी चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, जो भी गलत करेगा वो न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। आगे दंड देना छोड़ देना ये न्यायपालिका का विधान है। ये अच्छी बात है कि स्वामी चिन्मयानंद जी को आत्मबोध हुआ, उन्होंने कहा, अपनी गलती स्वीकार की, ऐसा आप बता रहे हैं SIT के माध्यम से। अगर उन्हें इस चीज़ का एहसास होती, अपने आप में भी एक अच्छी बात है। और जिस तरह से विपक्ष इसमें शोर शराबा मचा रहा, विपक्ष को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। पी चिदम्बरम कितने दिन तक फरार रहे, राजू कुमार आज तक CBI के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, एक सीनियर IPS होकर फरार हैं। ऐसे में कम से कम चिन्मयानंद जी ने इस जांच का बखूबी सामना किया, जो भी गलत उनसे हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ, उसका जवाब दिया। SIT ने उचित समय देखा, उनको गिरफ्तार किया। सरकार की मंशा साफ है, हम कभी किसी न्यायपालिका के विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कानून अपना काम करेगा, जो दोषी होगा कानून उसको सजा देगा। SIT ने जब समझा उन्हें गिरफ्तार किया। आगे जांच चल रही है, जो होगा जांच में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आगे देखा जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष का लगातार ये कहना है कि आखिर गिरफ्तारी होने में इतनी देरी क्यों की गई, जब लगातार 59 वीडियो उनको सौंप दिए गए थे और उस पर लगातार न्याय की मांग की जा रही थी, तो अब जाकर गिरफ्तारी की मांग क्यों की गई जब पीड़िता द्वारा आत्मदाह की धमकी दी गई है? मनीषा जी, विवेक जी के हिसाब से तो मुझे लगता पीड़िता ने अपना बयान दिया, थाने में एप्लीकेशन दी और चिन्मयानंद जी सीधे सीधे थाने आए, बोले हमको बैठा लो, कोई आपत्ति की बात नहीं है जी। दरअसल होता क्या है कि जब मामला हाई प्रोफाइल होता है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, तो कहीं न कहीं योगी सरकार पे इस बात का प्रश्न लग रहा था कि उनको एक बड़े नेता होने के कारण या स्वामी होने का उनको लाभ मिला, जबकि चाहे सीधी बात हो, पुलिस की बात हो या खुद योगी जी की बात हो, जीरो टॉलरेंस पे जब वो काम कर रहे हैं तो इतनी देरी किस बात की? करना आपको है, गिरफ्तारी उनकी होनी है, जेल उनको जाना, बिल्कुल से विवेक जी ने कहा कि भाई आगे ट्रायल बेस पे चार्जशीट दाखिल होगी, न्यायिक प्रक्रिया में वो क्या होता है वो तो बात का विषय है, लेकिन ये जो समय गया जिसमें पीड़िता बाहर आकर बयान देती है कि हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे, और लगातार वीडियो इस बात का साक्ष्य होता है कि अगर टेम्परिंग नहीं हुई है, 59 में से कम से कम 2-4-10-5 वीडियो तो सही रहे होंगे, और आत्मबोध की जो बात है, मुझे भी लगता है कि इतने बड़े नेता के साथ साथ वो जिन पद पे थे, वाकई में शर्मिंदगी की बात है। ये कहीं ना कहीं देखिए, एक आम आदमी से किसी कोई गलती छोटी हो बड़ी हो गलती मानी जाती है, लेकिन जब आप समाज के ऐसे पदों पे होते हैं जिसकी ओर लोग जिसका लोग एग्जाम्पल देते हैं या जिसका लोग उदाहरण देते हैं, तो अगर उनसे इस तरीके के अपराध में उनका इन्वॉल्वेशन होता है या उसमें अपराधी साबित होते हैं, तो एक गलत दिशा जाती, गलत मैसेज जाता और वाकई में समाज के लिए सेम खिलाफ। बिल्कुल जी, आप कुछ कह रहे? नहीं, मैं इस पे ये कह रहा था कि जो इसमें समय लगा, देखिए पीड़िता वहाँ गई, किन परिस्थितियों में उसने वीडियो तैयार किया, स्वयं चल के जाती थी या उनके चेले ले जाते थे, तमाम बिंदु थे जो SIT के लिए जांच का विषय थी। प्रथम दृष्टया इसमें गिरफ्तारी संभव नहीं थी, जब SIT को लगा कि हाँ जांच में कुछ चीजें गंभीर, तब SIT ने गिरफ्तारी की। अनावश्यक सरकार के स्तर पर इसमें देरी नहीं की गई है। बात होती तो पहले गिरफ्तारी होती है। आप देखिए रेप के केस में जो प्राविधान है, वकील साहब बैठे हुए इसको जरूर जस्टिफाई करेंगे या बता देंगे हमको, आप दोनों लोग देखिए। लेकिन देखिए होता क्या है ना, आपकी मंशा भले ऐसे नहीं मनोज जी, यौन शोषण लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के आपके कार्यों पर प्रश्न उठा रहा था, तो देरी किस बात की? देखिए मनोज जी, अधिवक्ता महोदय बैठे हैं, रेप में और यौन शोषण में थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ है, आप इसको रेप के फ्रेम में नहीं सेट कर सकते, इसको यौन शोषण के फ्रेम में अगर आप ले जाना चाहते तो दोनों व्यक्ति लोगों की परिस्थितियों विचार करना पड़ेगा। एक बार पीड़िता वहां नहीं गई है, एक बार में उसके साथ ये घटना नहीं घटी है, वो कितनी बार गई, हो सकता है वो चल के जाती हो या उसको ले जाने आते हो, अगर ले जाने जाते थे तो माँ बाप क्या करते थे, तमाम बिंदु इसमें जांच का विषय है, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं है। इसमें जो उनको आत्मबोध हुआ आज, वो ठीक है, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, ये उनका आत्मज्ञान हो गया, उनको
अच्छी बात सुनके लिए, ठीक है, इसमें केवल एक पक्ष को ही आप सीधे अपराधी फ्रेम में सेट, ठीक है, ये कोई उचित नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेंद्र जी की भी सुन लेते हैं, मनोज जी रुकेंगे अभी, पहले देवेंद्र जी की सुन लेते हैं। जी मैं अपने, हमारे ज्ञानी साथी बहुत ज्ञानी हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और ये लोग सनातन धर्म के अगुआ हैं। जब इन जैसे लोगों पर ऐसा प्रश्न क्वेश्चन उठता है तो बड़ा सोचनीय विषय है। हम सनातन धर्मी किस पे विश्वास करेंगे, लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा जब चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग, रेप हो या सहमति हो कुछ भी हो, ये संत हैं, तमाम संत के साथ ऐसा घटना हुआ है, चाहे वो राम रहीम हो और चाहे वो जेल में है, क्या नाम है उनका, आसाराम बापू हो, ये सनातन धर्म के प्रचारक हैं, इन पे समाज विश्वास करती है, और ऐसे लोग पे प्रश्न उठता है जैसे भी सहमति हो ये संत हैं, इसी बात की समस्या है। अगर ये आम व्यक्ति होते तो कानून के दायरे में अपराध होता ही ना। सुनिए, इनकी तरफ से प्रतिबंधित काम होना चाहिए, ये इन्होंने गलत किया है, आज गलत करने के बाद देवेंद्र जी समाज को क्या मैसेज जाएगा, देवेंद्र जी किसको मानेंगे, देवेंद्र जी यही यही समस्या का बिंदु है। अगर धर्म के प्रचारक को जो रक्षक है वही जब इस तरह के काम करेंगे गेरुआ पहन के और तमाम करेंगे, लोग किस पे विश्वास करेंगे, देवेंद्र जी कहाँ जाएंगे। देवेंद्र जी चूंकि उनका सार्वजनिक जीवन था, रक्षक मानते हैं एक तरह, आप सब मानते हैं वही धर्म, देवेंद्र जी चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में थे, संत के चोले में थे, यही आपत्तिजनक है। बाकी इसमें अभी भाई साहब ने कहा ऐसे ऐसे लोगों को तो चौराहों पर सीधे टांग देना चाहिए। देखिए देवेंद्र जी, जिस देवेंद्र जी उनकी पोजीशन ही, देवेंद्र जी जो उनकी स्थिति है, धर्म की रक्षा करने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म की रक्षा करने वाले लोग जब इस तरह के कुकृत में फंसेंगे तो धर्म को मानने वाले लोगों पे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देवेंद्र जी आप समाज को उसका उत्तर भी ले लीजिए, देवेंद्र जी उसका उत्तर भी ले लीजिए, आपने अपना विषय रख लिया। देखिए ये चूंकि संत थे और इतना बड़ा राजनीतिक जीवन था, इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन था, उनके द्वारा ऐसा आचरण किया गया, इसी बात की आपत्ति समाज कर रहा है। बाकी जो जो वीडियो में दिख रहा है उसमें वो सबकी तो परमिशन सुप्रीम कोर्ट खुद ही दे चुका है। भाई आप दोनों बात आप कह रहे हैं, अगर ये सामान्य व्यक्ति होते, अगर ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होते तो अपराध के दायरे में ही रहते। आप संत थे, आपका आपका कर्तव्य क्या बनता था। ठीक है जी, यही सब जांच का विषय है कि वो फंसे या फंसाएंगे। सत्येंद्र जी ये तमाम चीजें इसमें जांच का विषय है, चर्चा जारी रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। सत्येंद्र जी आप सभी जानना चाहेंगे, आपका क्या तर्क देंगे इस पे। एक बात नहीं सुनी, अरे बहस का मुद्दा क्या है यहाँ, व्यक्तित्व किसी के बाद डिबेट हो रहा है, सबको बोलने का मौका मिलेगा, 10 मिनट सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहस करके सर फोड़ने से कोई लाभ नहीं है। 10 मिनट बोले मौका मिले, आप लोग बोलिए, आपस में बहस का मुद्दा दो पार्टियों का खेमा बना दे, ठीक है, सब लोग है अपना अनुभव बताएंगे, मिशाई ने बताया, आपस में लड़कर भिड़कर कोई फायदा नहीं, 10 मिनट बोलने। सत्येंद्र जी आप भी सवाल सुन लीजिए कि जैसा कि विवेक जी ने इस पूरे मामले को एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की है, विवेक जी का कहना है कि आखिर वो वीडियो किस तरह से बनाई गई। विवेक जी ने कहा है कि क्या लड़की खुद चल के गई थी, आखिर वीडियो बनी तो किस पक्ष द्वारा बनाई गई, क्या ये कोई ऐसी प्लानिंग पहले से की गई थी, अगर बाबा को ऐसी वीडियो बनाएंगे तो जिस डिफरेंट एंगल से विवेक जी ने इस पूरे मुद्दे को दिखाने की कोशिश की गई है, उस एंगल पे आपकी क्या राय है। एक बार जब आपने आप फिर रिपीट कर दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से विवेक जी ने कहा है कि आखिर ये वीडियो बनी तो किस तरह से बनी और ये वीडियो बनाई किसने, क्योंकि लड़की तो अपनी वीडियो स्वयं बनाती नहीं, अगर वो बना रही है तो दैट मींस ये प्री प्लानिंग है पूरी, और अगर बाबा बनाते हैं तो बाबा किस मंशा से बनाएंगे, तो जिस डिफरेंट एंगल से विवेक जी ने अपनी बात को रखने की कोशिश की गई है, उस डिफरेंट एंगल पे आपकी क्या राय है। देखिए सबसे पहले जब दिल्ली में इस घटना का जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया और जब जांच बैठाई गई, उसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध में केस क्राइम नंबर में FIR दर्ज होनी चाहिए थी जी। जो विलंब हुआ 376, 504, 506 में पहले FIR दर्ज होनी चाहिए थी। देखिए संविधान बनाने वाले लोगों की मंशा क्या थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको समानता का अधिकार दिया गया, क्या होता है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आता, लेकिन तत्काल FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, इतना विलंब नहीं होना चाहिए था, जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था जी। लेकिन चलिए गिरफ्तारी हुई, अब ये किस तरह का क्या है, वो फंसाए गए हैं कि फंसे हैं, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सामने आएगा। फंसाए गए हैं लेकिन प्राइमा फेसाइज ऑफेंस है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। वो प्राइमा फेसाइज ऑफेंस मेड आउट,
तभी उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उन्होंने अपना स्वीकार किया है। अब ये बात नहीं कि हमसे गलती हुई या जो भी अपना तथा से जो आप लोग यहाँ कह रहे हैं, अभी तो हमने वो नहीं देखा कि उनका क्या बयान है, तो इसलिए उनके विरुद्ध में पहले ही जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जांच बैठाया गया, उसी समय FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी केस क्राइम नंबर में, वो विलंब से हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है उमाशंकर जी। जी सर, जब भगवा को दागदार करने के लिए इस तरह के स्वामी जी आगे आएंगे तो दिग्विजय जैसे नेता को तो मौका मिलेगा ही कि वो भगवा रंग पे इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करे। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, इंटरनेशनल कानून को देखने का प्रयास करें, भारतीय दर्शन को भी देखने का प्रयास करें। अभी कल किसी से खबर मिली कि कोई व्यक्ति लंदन गया हुआ था और लिफ्ट में किसी बच्चे को उसने थोड़ा सा प्रेम दिया हुआ जैसे इंडियन पद्धति में है, और आश्चर्य करिएगा तुरंत ही नीचे उतरते तक पुरुष ने अरेस्ट कर लिया। कितनी सख्त व्यवस्था वहां पर है, क्या वहां अपराध हो सकता है? आज दुबई में देखने का प्रयास करें, सिंगापुर में देखने का प्रयास करें, अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तुरंत ही दंडित करने का प्रावधान वहां पर है। वो दोनों देख, आप दोनों, आप ईसाई राष्ट्र को देखें, इस्लामिक राष्ट्र को देखें, कितना विकास हो रहा है देश और कितना लोग सफल, यहां का युवा जनरेशन जा रही है विदेशों में तो वहां से यहां आना नहीं चाहते, क्यों? सिर्फ इसी का। लेकिन हम दो तीन बातें और कहना चाहेंगे भारतीय दर्शन का और भारतीय संविधान का, क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां, यहां बड़े अच्छे अच्छे लोग सब लोग बैठे हुए हैं, टिप्पणी कर रहे होंगे, समझेंगे। लेकिन जहां तक कहना चाहेंगे तीन बातें, क्या वास्तव में नाम के आगे स्वामी लगा लेना वाला शब्द क्या वास्तव में सन्यासी है? ये विचारणीय प्रश्न है। जो लोग भी लिए गए, जैसे अभी नाम लिया गया आसाराम बापू का, अभी लिया गया नाम जो है राम रहीम सिंह का, अभी नाम जिनका भी लिया गया, क्या वास्तव में वे लोग संत थे? क्या वास्तव में स्वामी थे? स्वामी की परिभाषा धर्मशास्त्र क्या कहता है? सन्यासी की परिभाषा क्या कहता है? ये लोग वास्तविक तौर पर एक सही कहा जाता है धर्म का इन्होंने दुरुपयोग किया, एक तो दुरुपयोग किया, धर्म का व्यवसायीकरण किया। एक सीधा साधा संत को आप देखने का प्रयास करें, अयोध्या में तमाम संत है जो सिर्फ लेकर के चलते, जैसे भाई साहब कह रहे थे आप कितना संत के बाद वास्तव में भारतीय दर्शन कितना विश्वास होता था, संत आ जाता था अपने बहू बेटी माँ बाप के साथ उसका मत्था टिकाते थे उसके सामने। चीन में आनंद जी जैसे, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा, लेकिन भारतीय दर्शन में कहीं ना कहीं ये लोग अन्याय का प्रतिकार का कारक बन गए हुए, इनके जैसे लोगों के नाते हिंदू जनमानस अपने को कहीं कहीं ठगा महसूस करा। लेकिन अब एक बात और भी कहना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो लड़की आरोप लगाई है वो किसी पर आरोप लगा सकती है? हम लोग यहाँ चार पांच लोग बैठे हैं, किसी पर आरोप लगा जा सकता है? क्या उस पर भी जांच होनी चाहिए? वो लड़की सही है? क्या वो लड़की 100 बार अगर उनके पास गई तो कैसे गई? क्या रिवाल्वर के बल पर कोई लेकर गया? क्या कोई जबरदस्ती किडनैप करके लेकर गया? हमें बात पर भी देखनी चाहिए, ऐसे लड़कियां कौन सी लड़कियां हैं जो किसी पर आरोप लगा रही हो, आखिर वीडियो बना कैसे बना, उसे कैमरा खींचा है? क्या चिन्मयानंद जी अपने पर क्या इतना मूर्ख हो सकते हैं? जो व्यक्ति एक सेंट्रल में मिनिस्टर रहा हो क्या इतना पागल हो सकता है? कहेगा भाई अपना हम तुम्हें तुम्हारे साथ रेप करते हैं, तुम्हारे मोबाइल पर फोटो खींचवाओ, इसका मतलब कहीं कहीं साजिश भी है। दोनों होना चाहिए, दोषी है दंडित करिए, दोषी है उनको दंड दीजिए, आजीवन कारावास दीजिए, जो भी समझाने दीजिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि उनको चौराहे कुछ भी दीजिए अच्छा लगेगा, लेकिन उस लड़की पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस लड़की ने एक फंसाने का या बजाने का अगर दोषी है उस लड़की पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश की कोई भी बालिका समझे हम ऐसा चक्र भी बनाएंगे तो मुझे मेरे साथ भी सजा हो सकती है। ठीक है सुधीर जी, जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आई है, अपोजिशन द्वारा तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते चिन्मयानंद की गिरफ्तारी होने में इतनी देरी हुई, साथ ही साथ SIT ने चिदंबरम की CDR और वायरल वीडियो की जांच क्यों नहीं की थी जब लगातार पीड़िता द्वारा उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी? देखिए यहाँ सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आपको एक चीज हम क्लियर कर देना चाहेंगे जी, FIR का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट, वो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से किसी के विरुद्ध भी कर सकता है, उसको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। FIR होने का ये मतलब नहीं कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में FIR हो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी दे दी जाए, उसको जेल भेज दिया जाए जी। FIR होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पहले विवेचना होगी, विवेचना में अगर दोषी पाए जाते हैं, विवेचना में तथ्य मिलते हैं जी, उसी को हम फिर नक्शा बताते हैं। दो पार्ट होते हैं, या तो फाइनल रिपोर्ट, अगर उनको आयोग ने पाया कि सारे आरोप झूठे हैं जिसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है तो FIR में फाइनल रिपोर्ट लगेगी और जिसने फर्जी FIR की उसका IPC चोंडे के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो तथ्य में पाता है कि FIR में जो तथ्य है तथ्यात्मक है, उसके पास एविडेंस है, एविडेंस ठोस एविडेंस है जिसको भरोसा किया जा सकता है, तो चार्जशीट के लिए प्रोसीड करता है। बिल्कुल, ये तो एक केस की प्रोसीडिंग है। अब रही चिन्मयानंद जी की बात, इन्होंने अपराध किया, कोई भी व्यक्ति चाहे मर्जी से हो चाहे गैर मर्जी से हो, अगर कोई भी महिला शिकायत करती है कि हमारे साथ शोषण हुआ और आप करते हुए
आपके अगेंस्ट एविडेंस मिले तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसकी सहमत से कर रहे थे तो उसको आप पूर्णतया संतुष्ट करते कि वो आज की तारीख में शिकायत नहीं करते। ठीक है, नंबर दो, पीड़िता ने आत्महत्या की धमकी दी थी और इसी मुद्दे पर आज की चर्चा चल रही है और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, जिस तरह से लगातार उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसे में ऑपोजिशन द्वारा फिर से ये सवाल उठाया गया कि योगी सरकार क्या बाबा बचाओ अभियान को ही चला रही है। मनीषा जी, दरअसल अगर सिर्फ एक इसी अभियान को लेकर के विपक्ष इतना हमलावर होता, बात मेरे समझ में आती कि चलो बात चिन्मयानंद के या बाबा के लिए सवाल किया जा रहा है। सवाल दरअसल उस बात का नहीं था, सवाल इस बात का कहीं कि हम और आप या बाकी लोग भी चिंतित थे, जैसे धर्मगुरु मिश्रा जी ने बात कही कि महिमा मंडल जितने लोगों का नाम लिया गया, मैं गिराना शुरू करूंगा तो जो वाकई में समाज को एक दिशा दे रहे हैं वो बड़े उपेक्षित लोग हैं और उसमें हमारी गलती है। हम कहीं आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, बिल्कुल कहीं लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी मंडप, एसी, 200 लाख रुपए खर्चे होते, वो पैसा आता कहाँ से, हम इसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। दूसरी बात, अपराध अपराध होता है चिन्ह, और देर से मिले गए न्याय को भी अपराध के श्रेणी में लाया जाता है। चिन्मयानंद जी की जो गिरफ्तारी हुई है, मुझे लगता है सरकार अब आज के बाद प्रश्न नहीं है, अब आज के बाद कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था उसको होना बनता था, क्योंकि जिस शोषण हुई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो या जो भी शोषित हो, उसके साथ खड़ा होना विपक्ष का, मीडिया का रोल है, मतलब कहीं ना कहीं एक रोल होता है, पक्ष उसको न्याय दिलाने में सक्षम हो, ये सरकार का काम है। लेकिन योगी सरकार जब जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, ये बात 2.5 साल के कार्यकाल में सबको पता, मुझे पता, वहां पर इन सब चीजों के लिए स्पेस नहीं, लेकिन चिन्मयानंद जैसा लोग, जैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी गृह राज्य मंत्री रहा है, वकील अगर कानून तोड़ता है तो डबल पेनाल्टी होती है, तो कम से कम जो लोग समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। रही बात, मैं विवेक जी आपको बताना चाहूंगा, जांच के विषय होता, आगे भी होगा, अगर उनको किसी साजिश से फंसाया गया था तो क्या इतने कमजोर थे क्या कि वो इसका कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता थी। अब ये अलग हो सकता है कि 60-40% देखिए बार्गेनिंग, भू, बहुत सारी चीजें हम लोग भी समझते हैं, लेकिन अब उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब उसको पुलिस संज्ञान में करे, जांच का विषय हो और दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल, देवेन जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस चिन्मयानंद के साथ ही उगाही में 3 लोग और नपे हैं, साथ ही चिन्मयानंद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या ऐसे में समझा जाए कि अब तो उनकी गिरफ्तारी की जो बात है वो खत्म ही हो चुकी है और अब हिसाब किताब की बारी है? देखिए मनीषा जी, ये गिरफ्तारी की एक सिर्फ बात नहीं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जी, देर से हुई गिरफ्तारी ये भी एक प्रश्न उठाता है, ये गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। दूसरी चीज की आज ये भी हमें, हम लोग सुनने में आया है कहीं सोशल मीडिया से कि दूसरे पक्ष के लोग की भी गिरफ्तारी हुई है, शायद 2-3 लोग गिरफ्तारी हुई जी। ये इसमें उचित जांच हो और जो गलत काम किया हो वो दंडित हो, ये पूरा समाज चाहता है। लेकिन प्रश्न यही तक नहीं है मनीषा जी, प्रश्न ये है कि जब स्वामी जैसे लोग जो महामंडलेश्वर हैं, स्वामी हैं, इन पे जो समाज को दिशा देते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर जब ये प्रश्न उठता है तो आम लोगों की विश्वास टूट जाता है। प्रश्न ये है, स्वामी बनाता कौन है? अब आपको एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि तमाम लोग कहते हैं कि भाई वो मारा करके वो बन गया संत, तो अपराधी किस्म के लोग भी मठ में जाते हैं, सेवा करते हैं, करते करते मठाधीश बन जाते हैं और उसके बाद उनको भी 108 मिल जाता है, 124 126 नंबर मिल जाता है। देने वाले लोग कौन है? स्वामी किसको बनाना चाहिए? तमाम लोग किस पे, हमारे घर के बेटी, बहन, हमारी माँ, हर लोग मंदिर में जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, और जब ये प्रवचन करने वाले लोग, ज्ञान देने वाले लोग ही इस तरह काम करें, प्रश्न यहां उठता है, और लोग है कहां, और उनको कौन देता है ये सब उपाधि? प्रश्न ये है कि मठों में जांच होनी चाहिए, ये जितने लोग ये नंबर देते हैं, बाबा बनाते हैं, वहां सब जांच होनी चाहिए किसको साधु माना जाए। अब तो साधु लोग से ही विश्वास उठते जा रहा है। प्रश्न मनीषा जी यहां है, कानून अपना काम करेगा, SIT जांच कर रही है दोनों तरफ से, अगर लड़की दोषी है, वो लड़की भाई सुनने में आया है कि भाई उगाही का भी मामला था, वो पढ़ी लिखी लड़की है, कानून पढ़ रही है, उसको खुद ज्ञान है, बात उसकी नहीं है, बात स्वामी की है कि जो स्वामी तो धारण किया हो और उस पर इस तरह की चीजें वायरल हो रही हो, घटना हो रही हो, तो आम जनता में आम जनता पूछना चाहती है कि हम किस पे विश्वास करें, हम कहां जाएं। अब तो साधु संतों से विश्वास उठ जाएगा जी। तो साधु संत की जो मंडली है, ठीक है, ये जांच करे मठों में, और ये जांच का विषय है कि कौन साधु है, अगर साधु नहीं है
उस तरह के लोग नहीं है तो उसको समाज से समाज से निकाल देना। ठीक है विवेक जी आपको सुनेंगे, जी ठीक है विवेक जी आपको सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उमा शंकर सर देखिए। सबसे पहले जो है भाई साहब ने कहा, देवेंद्र जी ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन वास्तव में कहना चाहेंगे वास्तव में जो स्वामी शब्द हम सुनते हैं, संत शब्द सुनते हैं, क्या वास्तव में चिन्मयानंद जी संत हैं? क्या आसाराम जी वास्तव में संत हैं? संत किसे कहते हैं? आप बाहर अयोध्या में जाकर देख लें, वृंदावन में देख लें, आपको मथुरा में दिखाई दे देंगे, बनारस में दिखाई, एक एक संत पड़े हैं जो भगवान की भक्ति के अलावा उनके पास समय नहीं है राजनीति करने के लिए, कूटनीति करने के लिए। हकीकत के तौर पर देखा जाए जितने बाबा लोग हैं जो बाबा अपने को बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, और जो उनके साथ एक नेटवर्क होता है जो पूंजीपतियों के द्वारा आच्छादित होता है, जो पैसे लेकर इनको जगतगुरु की उपाधि देता है, कभी चार शंकराचार्य जो अपने देश में है हिंदू धर्म में, कभी किसी को संत नहीं बनाए, कभी किसी ने इनको स्वामी नहीं बनाया। हकीकत के तौर पर ये लोग व्यापारी गण है, इनके पास कौन से लोग जाते हैं? कभी कोई भक्ति के लिए नहीं जाता, कोई इनके पास दीक्षा के लिए नहीं जाता, हकीकत में इनके पास लोग लाइजनिंग के लिए जाते हैं, ठेकेदारी के लिए जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जाते हैं, उसमें सब चलेगा। देखें जब तक एक पूरी व्यवस्था नेशनल स्तर पर नहीं बनेगी, हिंदू समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, हिंदू धर्म में दो लोगों के बारे में वर्णन आता है रामचरितमानस में, देखें रावण के बारे में, रावण ब्राह्मण बनकर के कैसे सीता जी का दोहन करता है, किडनैपिंग करता है। अब दूसरे बारे में देखेंगे कालनेमी के बारे में वर्णन आता है, वो एक राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति अपने को संत का चोला पहन करके सारे आडंबर के साथ हनुमान जी भी प्रभावित हो जाते हैं। कहना क्या चाहेंगे, ऐसे आडंबर वाले लोगों को हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हकीकत के तौर पर भक्ति भाव का यहाँ मसला नहीं है, हकीकत में एक नेटवर्क है, जिसे भी भाई साहब मिश्राई ने कहा राधे माँ के बारे में, आप राधे माँ के बारे में देखें कौन से संत हैं वो, आप देश में भी दर्जनों लोग हैं जो लोग वास्तव आज भी मैं पेपर पढ़ रहा था, आज कोई हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाने जाते थे, आज आप लोग सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदू समाज में आज तक कोई हजारों साल के इतिहास में कभी सुना होगा कोई पायलट बाबा होते हो, हेलीकॉप्टर बाबा होते हो, लैपटॉप बाबा होते हो, कभी आज तक कोई नहीं सुना क्या? हकीकत में बाबा है ही नहीं है, धर्माचार नहीं है, ये लोग पाखंडी व्यभिचारी कुकर्मी कुसंगी लोग हैं, इन पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए, अपने बहु बेटियों को कहां जाने दिया जा रहा ये भी हमें सोचना चाहिए, इस तरह ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर वह दोषी हो। और दोषी क्रिएट करने वाले लोग जो एक आडंबर के साथ जो प्लानिंग बद होते हैं उस नेटवर्क में जुड़े होते हैं, जैसे फंसाने बजाने का प्रयास करते हैं, हकीकत जब देखते हैं गुरुजी चोरी करते हैं तो चेहरा भी चोरी करवे करेगा, चाहे गुरुजी को फंसाने से मिले, कहीं न कहीं यही स्थिति लग रही है। दोनों पर कार्यवाही होनी चाहिए, जो सही हो वो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वास्तव में ऐसे संतों से व्यक्ति को अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल विवेक जी अपनी बात रखें। देखिए जैसा अभी देवेंद्र जी ने कहा, किसने किसको फंसाया ये सब जांच में आई आ रहा है, जो लोग ब्लैकमेलिंग में थे उधर के बच्चों की भी गिरफ्तारी हुई, ये निसंदेह ये तो तय है कि कैमरा बाबा ने नहीं मंगवाया होगा, कैमरा जो ले गया क्यों ले गया, किन परिस्थितियों में ले गया, ये सब जांच का विषय है, एसआईटी जांच कर रही है। और रही बात चिन्मयानंद जी को, तो जिस वेश में है वो जो उनका जांच की जा रही है, जांच जब हो जाएगी तब तमाम बातें सामने निकल कर आएगी। ऑपोजिशन का ये कहना है कि क्या कोई भी नेता अगर सपा का बसपा का या कांग्रेस का होता तब भी बीजेपी प्रवक्ता के क्या यही सुर होते कि जांच की जा रही है और जब जांच साबित हो जाएगी तब इस पूरे मामले में हम कुछ आगे कहने को तैयार हैं। मनीषा जी इतने मुकदमे आजम खान के ऊपर कौन सी उनकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तार कर रहे हैं उदारवादी, उदारवादिता की बात नहीं है। देखिए हमारा सरकार का विषय में हस्तक्षेप नहीं है, जो कानून जब उचित समझे गिरफ्तारी का, एसआईटी ने जब उचित समझा उनको गिरफ्तार किया, हमने अगर गिरफ्तारी हमने उसमें हस्तक्षेप किया तो बताइए, वो आज कानून के दायरे में है, जो अदालत फैसला देगी वो होगा। रही बात ये उन्होंने स्वयं कह दिया कि भाई मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूँ, ये कम से कम ये बहुत बड़ी बात, अगर किसी को अपने आत्मबोध हो रहा है, चूँकि वो ऐसे पद पर रहे, ऐसा उनका वेशभूषा रही, ऐसा उनका हो रहा, उनको कम से कम आत्मज्ञान तो हुआ। विवेक जी एक मिनट आपकी बात को, आप ही की बात को अग्री करते हुए एक बात कह लें, अगर कोई भी इंसान मर्डर करके पुलिस के पास पहुंच जाए, थाने में पहुंच जाए और कह दे कि हमने मर्डर कर लिया है और हमें अपना आत्मबोध हो रहा है, हमसे गलती हो गई है, तो क्या पुलिस उसको माफ कर देगी? देखिए मनीषा जी बात माफी या उसकी नहीं है, कम से कम ये आत्मग्लानी होने से सर जो अपराध है वो कम नहीं हो जाता है। देखिए ये इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि आत्मग्लानी होने से अपराध तो कम नहीं होता जी। लेकिन जो अपराध ये हुआ है इसमें केवल वही अपराधी नहीं है जी। उनको उकसाने के लिए, उनको फंसाने के लिए किसने इस ट्रैप को बनाया, कौन ये लोग इसमें शामिल है, पूरा जांच का विषय है। कोई बाबा उसके घर जाकर की घटना को अंजाम नहीं दिए, वो लड़की चल के बाबा के यहाँ गई है, और एक बार नहीं पचासों बार सैकड़ों बार गई है जी। देवेंद्र जी अपनी बात को रखिए। देखिए वो गलती जो वाले हैं
वो जो संत के जो चोला ओढ़े थे गलत वाला, जो आप संत का गलत चोला ओढ़े थे उसके लिए गलती माने हैं, अपराध तो उन्होंने किया ही है। जो संत के रूप में जो चोला ओढ़ के जो इन्होंने काम किया है वो संत नहीं है, इसके लिए उन्होंने गलती माना है। ये सही से विवेक जी नहीं बोल पा रहे। ठीक है सत्येन जी, जिस तरह से विवेक जी की आपने तमाम बातों को सुना है और विवेक जी लगातार इस मुद्दे को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको किसी भी तरह की साजिश की बू भी आ रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों से लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जब जांच एसआईटी को दे दिया गया है और वो गिरफ्तार हो गए हैं तो जो भी एविडेंस होंगे कोर्ट में आएंगे उन्हीं से देखा जाएगा कि क्या है, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। सर, आपको नहीं लग रहा है एसआईटी भी जांच करने में कुछ देरी लगा रही है? देरी तो हुई, वो तो मैं पहले ही बताया कि एफआईआर उसी समय दर्ज हो जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो शाहजहांपुर जब एक केस आया तो उसी समय दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन विलंब से हुआ, गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन अब जो भी एविडेंस होंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उनको बस कोर्ट देखेगी। अब तो जुडिशियरी अपना काम करेगी ही और एसआईटी जांच कर ही रही है, क्योंकि 14 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। तो अब जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी जो है, न्यायपालिका करेगी। ठीक है, और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी आप विश्वास रखिए, न्यायपालिका के आंखों के सामने न्याय होता है और कोई बड़ा से बड़ा आदमी बचा नहीं है, आप जान लीजिए। जो भी जिन केसों का मीडिया ट्रायल हुआ, चाहे हाई प्रोफाइल रहे, उनमें न्यायपालिका ने सख्त कार्रवाई की, न्याय किया, और आज भी न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास है, वो बना है और बना रहेगा। ठीक है सुधीर जी, जी जिस तरह से सुबह की एक चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई थी कि पहले जब छात्रा ने इस तरह का वीडियो अपलोड किया था और वीडियो अपलोड करने के बाद से ही छात्रा गायब हो गई और उसके बाद किसी लड़के के साथ राजस्थान से वो बरामद की गई है, तो ऐसे में गायब होने के बाद एक लड़के के साथ मिलना कहीं ना कहीं छात्रा को भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा था इस पूरे मुद्दे में। मनीषा जी, पहले आपने कभी प्रश्न किया था कि एसआईटी ने जांच में विलंब किया जी, आपको एक चीज क्लियर कर दे, सबको आपके माध्यम जनता को बताना चाहेंगे जी, जांच कोई 5-star होटल का मेनू नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया 2 बर्गर 2 पिज्जा और दाल मखानी ले आई है, आधे घंटे में वेटर ने आपको परस दिया। जांच सारे तथ्यों पे, गुण दोष के आधार पे जांच होती है, उस जांच में टाइम लगता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि किसी भी तरह का दबाव विवेचक के ऊपर जो जांच करता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं डाल सकता। रही आपकी दूसरी बात कि एफआईआर लड़की ने की, उसके बाद कहां मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है, ये अलग विषय है। एफआईआर के मतलब ये नहीं कि जिसके खिलाफ एफआईआर है, आप आज की तारीख में आधा लखनऊ एक पार्टी के विरुद्ध में एफआईआर कर दे, आधा लखनऊ के एफआईआर कर दे, सर अलग विषय भले ही हो, लेकिन इस विषय पे भी जांच जरूर होनी चाहिए थी कि अगर लड़की एकदम से गायब हो जाती है उसके बाद मिलती है तो आखिर पूरा मामला क्या है। हर बिंदु के ऊपर हो रही है, एक एक वर्ड के ऊपर जांच हो रही है, एफआईआर में जो जो एक एक शब्द लिखा गया है, एसआईटी समझ लीजिए कि एसआईटी का मतलब उस एफआईआर का पोस्टमार्टम, कोई ऐसा बिंदु नहीं बचेगा जहां तक वो सोच नहीं सकते क्राइम करने वाले, उस बिंदु में भी जांच होती है, जो उसमें नहीं लिखा उसकी भी जांच होगी। जैसे आपने बोला कि उगाही मांगी जा रही है, कौन लोग मांग रहे हैं, कौन मंगवा रहा है, देखिए आज के युग में अगर हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते, हम यहां नहीं बैठे हुए हैं, सर्विस इतना स्ट्रांग है कि आप चाहे 50 मोबाइल बदल के कॉल कीजिए, आपकी आवाज बदल सकती है, बात करने का तरीका नहीं बदल सकता, हमेशा याद रखिएगा जी। और यही वजह है कि जांच में समय लगता है, और जब पुलिस कोई रिपोर्ट बना के प्रस्तुत करती है कोर्ट में तो अपनी तरफ से जो उनके संसाधन उपलब्ध हैं पूरी पूरी कोशिश करती है कि मुलजिम किसी वजह से भी अपने इस चीज का फायदा ना उठा पाए कि जांच करता अधिकारी के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एसआईटी को वचन दी गई, पुलिस से ज्यादा सुविधाएं एसआईटी के पास उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, वो लखनऊ बैठ करके आतंकवादी कश्मीर में रहता है उसमें मॉनिटरिंग कर लेता है, मार्शल जाके आदमी उठा के ले आता, क्यों, उनके पास संसाधन है। ठीक है मनोज जी, जी जिस तरह से कल योगी सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था और उस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराध का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, अपराध कम हो रहे हैं, तो उनके इस बयान पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जमकर टिप्पणी की, उन्होंने भी कह दिया कि अपराध कहां कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये हमको नजर नहीं आ रहा है, क्या कुछ राय है आपकी? तो पार्टी सरकार चाहे वो राज्य की हो चाहे वो देश की हो, एक बहुत अच्छा कल्चर उन्होंने स्टार्ट किया कि ये अपने चाहे साल भर हो 2 साल हो 2.5 साल हो, ये अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हो, सरकारों को करना चाहिए, एक अच्छी बात है। पहली बार प्रदेश में हमको भी 2017 के बाद देखने को मिला कि एक्शन के रिएक्शन में अच्छा भी लगा कि अगर इस मुद्दे को लेकर भी, सर एक बिंदु और जोड़ना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने की
कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर कोशिश की है। मनीषा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। जिस तरीके से अखिलेश यादव कल सरकार के ढाई साल के जो मुख्यमंत्री के बयान थे, या ये कहिए कि नंबर ऑफ अचीवमेंट थे, उसके साथ साथ उन्होंने का मेन कहीं ना कहीं टारगेट चिन्मय आनंद थे, या कहिए कि सरकार जीरो टॉलरेंस में नहीं बल्कि ग्राफ बढ़ा हुआ है, चाहे वो अपराध का हो बाकी चीजों का हो, तो वो बात हमको, हम सबको इंतजार था। मीडिया अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करे, लेकिन चूंकि योगी जी पे ढाई साल में किसी तरीके का कोई आरोप, किस प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार से लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, और ढाई साल पूरा होने से पहले जो उन्होंने मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन किया उसमें कुछ ऐसे मंत्रियों को निकाल बाहर भी किया, विभाग भी चेंज किया, जिस पर संदेहात्मक स्थिति रही भ्रष्टाचार की, तो कम से कम वेलकम किया जाना चाहिए। उस मामले में कोई सवाल नहीं है, प्रयास किया, लेकिन एक दिन में चीजें नहीं दूर होती है। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, फिरौती को लेकर के, जमीनों से लेकर के बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे डेवलप हो गए थे वो जनप्रतिनिधियों के जरिए, जिसको दूर करने में समय लगेगा। और चिन्मयानंद की आज की जो गिरफ्तारी है, मुझे लगता है कि कम से कम ये गिरफ्तारी अगर कल हुई होती तो जस्ट डबल उनके उस ढाई साल की उपलब्धियों में एक बात जुड़ जाती। बार बार चिन्मयानंद नाम होने से कहीं ना कहीं योगी जी पे ज्यादा सवाल उठता था। दूसरी बात, एक मिनट खत्म करेंगे, पद भ्रष्ट आम आदमी हो जाए तो सवाल कम उठता है, लेकिन आप एक ऐसे समाज, भले आप स्वामी नहीं थे, मैं सहमत हूँ धर्मगुरु की बात से, लेकिन चोला तो आपको स्वामी का था, जनता तो आपको स्वामी समझती थी। हमको नहीं पता, मैं अगर लखनऊ में हूँ, कलकत्ता में हूँ, बॉम्बे में हूँ, चिन्मयानंद मतलब होता है कि सनातन धर्म का कोई ऐसा प्रचारक, कोई ऐसा संदेश देने वाला होगा जिसकी बात को सुनकर के लोग अच्छे रास्ते चलेंगे, और अगर वो पदभ्रष्ट होता है तो कहीं कहीं ये दुर्भाग्यवश बात है। दूसरी बात, इसमें जरूर साजिश की भी है, लड़की नंबर आप टाइम्स या जो भी कह सकते हैं, वो जांच का विषय है, तो उम्मीद करनी चाहिए हमको न्यायिक प्रक्रिया पे, और अभी हिरासत में लिया इसलिए जाता है कि आप जांच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है विवेक जी, जिस तरह से अगर आप ही की बातों को सुना जाए और समझा जाए, तो आपने बात कही कि दोनों ही पक्षों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये भी कहना चाहेंगे कि स्वामी चिन्मयानंद के और कॉलेज से ये कोई पहली लड़की नहीं थी जो गायब हुई थी, पहले भी तीन से चार छात्राएं गायब हो चुकी हैं, तो आखिर वो तीन से चार छात्राएं कहां गई? और जब लगातार किसी भी कॉलेज में छात्रों के गायब होने का सिलसिला जारी है, तो उस वक्त स्वामी चिन्मयानंद की क्या नजर बंद करके बैठे हुए थे, क्या नींद में सो रहे थे कि उनको उनके ही कॉलेज से गायब होती हुई लड़कियां नजर नहीं आ रही थी? देखिए मनीषा जी, लड़कियां गायब हुई, किन कारणों से गायब हुई, किनके साथ गई, हर विषय को चिन्मयानंद से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। चिन्मयानंद का विद्यालय है ठीक, सर आपके कॉलेज से किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार कौन होगा? स्वामी चिन्मयानंद से जोड़ना है सर लाजमी इसलिए है क्योंकि उनके कॉलेज की छात्राएं गायब हुई हैं। नहीं, कॉलेज की छात्राएं गायब हुई, उनके व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे यही लड़की अपने प्रेमी के साथ राजस्थान मिली, क्या चिन्मयानंद जी ने उनको भिजवाया था प्रेमी के साथ? ये कोई औचित्य थोड़ी है, कौन किसके साथ भाग रहा है, किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी, स्कूल के प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी होती है कि आपके घर से अगर बच्चा जा रहा है, क्या बात? घर से नहीं भाई, नहीं विद्यालय पढ़ने वाला बच्चा कल अपने घर से निकला, स्कूल नहीं आया, उसके लिए स्कूल क्या करेगा? हॉस्टल की जिम्मेदारी होती है, हॉस्टल में रहने वालों की, हॉस्टल की बात नहीं, विद्यालय की बात हो रही है, विद्यालय की बात कर ले चाहे कॉलेज, छात्रावास नहीं, छात्रावास कुछ नहीं इसमें, विद्यालय पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से के लिए निकली घर से, अगर स्कूल नहीं पहुंची तो इसमें प्रबंधन क्या करेगा? प्रबंधन नहीं करेगा तो आखिर पेरेंट विश्वास कैसे करेंगे? स्कूल में भेजेंगे क्यों? अगर प्रबंधन, देखिए मनीषा जी, अगर कॉलेज व्यवस्थापक इस बात को तय नहीं करता कि हमारा बच्चा उसकी स्कूल सुरक्षित है, तो हम उस स्कूल में क्यों भेजेंगे? कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी मनोज जी तब चालू होती जब बच्चा उनके विद्यालय प्रांगण के अंदर, प्रांगण के बाहर से आप अंदर आई नहीं रहे, घर में आने चिंता विद्यालय नहीं करेगा, मोड़ रहे आप, गार्जियन की भी चिंता होनी चाहिए, हर घर काम विद्यालय करेगा, तो गार्जियन क्या करेगी? लड़कियां स्कूल से ही गायब हुई है, प्रश्न स्कूल से नहीं गायब हुई है, आप अब ये वो कहीं चली गई, उसके गार्जियन अगर आपने ऐसा नहीं, किसी गार्जियन ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, अब देखिए आप हम देखने गए हैं क्या, जब उसके गार्जियन जो आरोप लगा रहा है कि स्कूल से गायब हुई है, तो आप स्कूल से गायब नहीं हुई है, ये विषय नहीं आया था जी, आप पता कर लीजिए, मनीषा जी बात कर लीजिए इस पे, गायब हुई है कहाँ से गायब हुई, किन परिस्थितियों में गायब हुई, और ये कोई
पहला मुद्दा नहीं था। देखिए 2018 में भी इसी तरह का मुद्दा उजागर हुआ था, इसी तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई थी और उसके बाद ऑपोजिशन ने जमकर हंगामा काटने की कोशिश की थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्लीन चिट क्यों दे दी स्वामी चिन्मयानंद को। देखिए मनीषा जी, जिस चिदर्पता ने उस केस को किया था वो बाद में अपने बयान से मुकर गई, ऐसे में उस मुकदमे को चलाए जाने कोई उचित नहीं था। विषय को समझिए, आज ये पीड़िता जिस तरह के आरोप लगा रही है, क्या उन्हें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी गेन करने का शौक चढ़ा था कि पहले उन्होंने इतना संगीन आरोप उन पर लगा दिया और उसके बाद वो किस दबाव में आके चुप हो गई? आखिर उन पर दबाव किसने बनाया? अब किन परिस्थितियों में चुप हुई इसका संज्ञान अदालत को लेना चाहिए। अदालत विषय था, जब मुकदमा उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब उन्होंने आगे बयान नहीं दिया तब ये केस चलाने सरकार के द्वारा चित्र सरकार ने वापस लिया। उसमें विपक्ष अगर हो अल्लाह करता है, मनीषा जी अगर इसमें लेन देन की वसूली की बात चल रही थी, अगर ये वसूली तय हो जाती तो भी प्रकरण सामने ना आता। जी, जो वसूली उन लड़कियों का प्रकरण दब गया ये भी प्रकरण दब जाता। तो जो वसूली इसमें डायरेक्ट बात को आप क्यों नहीं मान रहे? हम उनको सरकार बचा रही थी और बचा रही है, मानने में क्या दिक्कत है? देवेन जी सरकार चिदम्बरम जी का बचाव नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जी की बचाव ना करते तो जैसे आम लोगों पे गिरफ्तारी आम लोग की होती है रेप और चाहे सहमति पहले ही हो जानी चाहिए थी। कहां गिरफ्तार कर रहे हैं आजम खान? कहां गिरफ्तार कर रहे हैं? बात करते हैं 80 मुकदमों के बाद भी आजम खान गिरफ्तार नहीं है, मेहरबानी है नहीं? अरे तो मेहरबानी दूसरे कारण हो सकता है वो जाने, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर जब पीड़िता बयान दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान लेना पड़ा? जिस तरह से धर्म का चोला पहनकर भले ही आपने एक बात कही कि स्वामी जी की क्या परिभाषा है ये भले ही आज के लोग नहीं जानते, लेकिन सर उन्होंने स्वामी जी का चोला पहना था और धर्म का चोला पहन के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना और इस तरह के कृत्यों को अंजाम देना ये कहां तक सही है? आज जितना 20-25 वर्ष के अंदर जितने कांड हुए हैं सब के सब धर्म का चोला पहन करके हुआ, और आज से हजारों साल पहले काल में हुआ था। रावण भी जब भेष बदल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तो यह समस्या हो गई है, हमारे भाई देवेंद्र जी समझ रहे हैं विपक्ष में और हमारे विवेक जी ये समझ रहे हैं चिन्मयानंद जी के प्रतिनिधि रूप में, बीजेपी के प्रतिनिधि रूप में बोले भाई अपना भी कुछ व्यक्तित्व होना चाहिए। हमें तो लग रहा कि हम लग रहा जैसे पक्ष विपक्ष की बात ही हम निष्पक्षी होनी चाहिए। सबके सामने समस्या है और सबके सब लोग कम से कम सुलझे हुए हैं, समाज से गणमान्य व्यक्ति हैं। ये बात समझने का प्रयास करें कि वास्तव में क्या चिन्मयानंद संत हैं? नहीं, ठीक है, कोई भी देश का जनमानस नहीं कहेगा वो संत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सत्येन जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना है, दोनों ही पक्षों में से दूध का धुला कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए, क्या राय है आपकी? सर आखिरी राय कम शब्दों में होनी चाहिए और आप देखिएगा न्यायपालिका वो सख्त कार्रवाई होगी न्यायपालिका द्वारा कि लोग याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूध का पानी जो है न्यायपालिका करेगी और जो भी दोषी होगा किसी को न्यायपालिका बख्शेगी नहीं। देखिए अपराधी चिन्मयानंद हो चाहे चिन्मयानंद स्वामी तथाकथित स्वामी अपराधी हो चाहे कोई हो, कानून सबके लिए एक है और इन्होंने अपराध किया है तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उल्टे खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं बचेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। गृह मंत्री जो रह चुके वो जेल में है, गृह राज्य मंत्री जो रह चुके वो जेल में है, कानून आपका पद नहीं देखता, आपने अपराध किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, तो इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ था उसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आज उनने ये भी कह दिया है कि मैं अपने किए में शर्मिंदा हूं, लेकिन इस चर्चा के दौरान हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पूरे मुद्दे को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की। लोगों को लगता है कि अभी भी इस मुद्दे में एक साजिश की बू आ रही है, तो किस तरह की साजिश की जा रही है, दोनों पक्षों में किस तरह की खींचातानी देखने को मिल रही है और आगे की जांच में किस तरह की चीजें आगे निकलकर सामने आती है ये देखने वाला विषय होगा, जांच का विषय होगा। और हम भी यही कहेंगे कि दोनों पक्षों की जमकर जांच होनी चाहिए, इतनी जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो फिलहाल इसके युद्ध घोष में इसी के साथ इतना ही, पर तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है इसलिए देखते हैं इंडिया वॉच। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।